सामाजिक आधिकारिता शिविर में पधारे सभी भाई और बहनों, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने देश के हर निशक्त जन, वयोवृद्ध जन के साथ ये सरकार खड़ी है। हमारी कोशिश है कि हम सब निशंजन व्यक्तियों को समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से बराबर समानता के रूप में लाएं, और आज इसकी आवश्यकता कि समाज के अंदर इन दिव्यजनों की जो कई बचपन से हैं, कई कोई एक्सीडेंट दुर्घटना से हैं, उन सब दिव्यजनों को समाज में सम्मान दिला सके, न्याय दिला सके, समानता दिला सके, इसका प्रयास ये मंत्रालय कर रहा है। और इसीलिए मंत्रालय ने प्रयास किया है कि हम सब दिव्यजनों को किस तरीके से सामाजिक रूप से उनके जीवन को बदलते हुए उनकी जिंदगी को बेहतर कर सके, और इसके लिए आज समाज में आवश्यकता है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था उस समय भी संविधान में सबको समान अधिकार, समान न्याय, समानता हमारे संविधान के संकल्प हैं, और इसलिए आज इसकी आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इन तमाम समाज के लोगों के साथ एक सहयोगी के रूप में खड़े होकर उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। आज मैं कभी कई दिव्यजनों से मिला, और मुझे लगा कि हमारे प्रयासों से, समाज के सक्षम लोगों के प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से हम समाज में इनको कैसे सामाजिक रूप से आगे ला सकते हैं, और उसके लिए जब तक संपूर्ण समाज उनके सहयोग के लिए खड़ा नहीं होगा, हम उनको समानता का अधिकार नहीं दिला सकते। लेकिन ये भारत के संस्कार और संस्कृति है, जहां पर जब भी कोई चुनौती आती है, कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, संपूर्ण समाज ऐसे समाज में अभाव वंचित लोगों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम उनको केवल यंत्र देकर या उपकरण देकर हम उनको केवल सहयोग न करें,
उसके साथ साथ वह आर्थिक रूप से भी, रोजगार की दृष्टि से भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और हम इस भारत में देख सकते हैं कई दिव्यजनों ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने अपने कीर्तिमानों से, अपनी अपनी उपलब्धि से, अपने कार्यों से, अपने आत्मविश्वास से, अपने धर्म निश्चय से समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। और यही हमारे दिव्यजनों की शक्ति है, जिन्होंने समाज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति पर नेतृत्व करने का काम किया। मैं उदाहरण देने लगूं तो बहुत सारे उदाहरण होंगे, कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर इनकी उपलब्धियां, इनके कार्य हमें प्रेरणा नहीं देते होंगे। और यही हमें समाज में फैलाना है, समाज के हर दिव्यजनों को यह आवाज दिलाना है कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य इतनी है, अगर आप दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से, लगन और कर्म से काम करेंगे तो समाज में सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा आपकी उपलब्धि हो सकती है। ये शक्ति ये दिव्यजनों के अंदर है। अभी जब अब्दुल मजीद जी जो झालावाड़ से आए, उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से पेड़ लगाकर चल रहा हूं, लेकिन मुझे एक घंटे में जितना आराम मिला कभी नहीं मिला। हमारा नौजवान जिसने एमए पास किए, उसने कहा मैंने एमए पास किए, मैं अब रोजगार से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, मुझे आपने पेड़ तो लगा दिए लेकिन मैं आर्थिक रूप से भी अपने पैरों पर खड़ा होकर मेरे परिवार को पालने के लिए सक्षम होना चाहता हूं। आप जितने भी विकलांगों को आपने भी मंच पर देखा, किसी के दो पेड़ नहीं है, किसी का एक पेड़ नहीं है, लेकिन उनके आत्मविश्वास के अंदर कोई कमी नहीं, उनका आत्मविश्वास, उनमें कार्य करने की लगन, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य, ये आज भी इसमें है। और मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारी सरीन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जब मुझे दिल्ली में आके मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी का ऐसा पेड़ है जो सामान्य पेड़ लगता है उससे बेहतरीन है और उससे आदमी चल सकता है, दौड़ सकता है। मैंने सरीन साहब की बात पर विश्वास नहीं किया, मैंने कहा आप पहले 10 लोगों को पेड़ लगाकर दिखाओ और 10 लोगों के पेड़ लगाने के बाद उनके अनुभव हो कि हमें ये पेड़ अन्य पेड़ों से भी बढ़िया है, बेहतरीन है, अच्छी क्वालिटी का, हमें चलने में उससे ज्यादा सुविधाजनक स्थिति आई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि समाज के जितने भी लोग हैं जो पेड़ से, दो पेड़ से विकलांग है, उनको पेड़ों पे खड़ा कर उनको आर्थिक रूप से खड़ा करने का काम हम। और इसलिए मैं आज आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जहां भी हमारे निशक्त जन है वह हमारे सम्मान के रूप में है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और गांव ढाणी में पंच सरपंच से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं,
कि अपने पिता को मानकर, अपने भाई को मानकर, अपनी माँ को मानकर, अपनी बहन को मानकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर निशक्त जन को समाज का सक्षम कार्यकर्ता अपने बेटे और भाई के रूप में सेवा के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है और यही समाज की सेवा है कि हम गांव के अंदर जाएं और गांव के अंदर देखें किसी के पेड़ नहीं है, किसी का आंख से नहीं दिख रहा, किसको सुनाई नहीं दे रहा, किसी की चलने में दिक्कत आ गई उसको छड़ी की आवश्यक है, किसी के दोनों पैर नहीं है लेकिन वो रोजगार करना चाहता है, मोटराइज साइकिल की जरूरत है, ऐसे तमाम 18 आइटम जिसमें वो वयोवृद्ध जो 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा है, जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं चलने के लिए कृत्रिम चीज की या अंगों की या उपकरण की आवश्यकता है, वह तमाम उपकरण मंत्रालय उनको निशुल्क देगा ताकि वह 60 साल से उम्र वाला व्यक्ति भी अपने सामान्य काम को और सुविधाजनक तरीके से कर सके। इसके लिए भी हमें ये काम करना है क्योंकि कई बार विभागों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है और जब हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसकी जिंदगी को बेहतरीन करना, समाज के अंतिम व्यक्ति को सामाजिक न्याय के माध्यम से समानता लाना, समाज के अंतिम व्यक्ति को रोजगार की दृष्टि से उसको स्वरोजगार करना और उसको अपने पैरों पर खड़ा होना। ये काम जब समाज के सभी लोग सामूहिक रूप से करेंगे, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने ढाणी में, जहां भी उनकी आंखें देखे कि ये व्यक्ति इसको चलने में दिक्कत आ रही है उसको छड़ी की आवश्यकता है, ये व्यक्ति विकलांग है इसके एक पैर नहीं है, दो पैर नहीं है, मैं लेकर इसको जाऊं, इसके बेहतरीन तरीके के पेड़ लगाऊं, किसी को सुनाई में कम दे रहा है, किसको दिखाई कम दे रहा है, किसी के कमर झुक रही है तो उसको बेल्ट लगाकर उसकी कमर को कैसे ठीक किया जा सकता है, किसी की गर्दन में दर्द है, डॉक्टर साहब के यहां तो मेरे शहर में सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं जो गर्दन की दर्द रहती है और गांव में तो उनको पता ही चलता है क्यों दर्द है, उनके गर्दन के दर्द को कम करने के लिए वो इक्विपमेंट वो लगा दे, ऐसे तमाम तरीके के इक्विपमेंट हम लगाने का प्रयास करेंगे। ये एक शुरुआत है, ये कोई समापन नहीं है, आज से लेकर 7 दिन तक मेडिकल कॉलेज के अंदर तमाम विकलांग व्यक्तियों के जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं उनका कैंप लगाकर उनका सर्टिफिकेट बनाया जाएगा ताकि जिन लोगों को मोटराइज साइकिल नहीं मिल पाई है उनको मोटराइज साइकिल मिल सके, क्योंकि यहां पर डॉक्टर साहब ने देखा, मैंने भी देखा, कई ऐसे विकलांग हैं जिनके दोनों पैर नहीं है लेकिन उसका सर्टिफिकेट 45 या 50% का बना हुआ है, मोटराइज साइकिल के लिए 80% सर्टिफिकेट की जरूरत है और वह 80% की पात्रता रखता है लेकिन 80% का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उन सब लोगों को भी 7 दिन कैंप लगाकर उन सबका सर्टिफिकेट बनाने का भी काम होगा और उसके साथ साथ 5 तारीख तक समाज के सभी निशक्तजन वयवर्ग लोगों का यहां परीक्षण चलेगा कि किसको किस उपकरण की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको वहां पर जांच कर वह उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया करेंगे और अप्रैल में हम जितने भी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के
निशक्त जन है, विकलांग है, दिव्य जन है, वयवृद्ध लोग हैं, उनको कहीं न कहीं इन यंत्रों के सहायता के साथ उनके जीवन को सहज और सुलभ करने का काम करें। मैं देखता हूं कि समाज में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। मुझे भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते 30 साल हो गए, 15 साल विधायक हो गए, संसदीय सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल चल रहा है। मुझे आज पीड़ा होती है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और ये दावा करते हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हजारों लोग आज दिव्यजन हैं जिनको कहीं न कहीं इन सारे उपकरणों की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे प्रयास गंभीरता से न होने के कारण हम उस दिव्यजन के सहयोग के साथ खड़े नहीं पाए। लेकिन अब मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है, मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान है, समाज में काम करने वाले उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान है, आज के बाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस 2 महीने के अंदर समाज में जितने भी दिव्यजन हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, उन सबको जिनको इन उपकरणों की आवश्यकता है, यंत्रों की आवश्यकता है, उन सब की निरीक्षण सर्वेक्षण कराकर, जांच कराकर हम उनको ये यंत्र दिलाने का काम करेंगे। ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इसके साथ साथ मेरी कोशिश है कि जितने भी लोग यहां पर आए हैं उन सबका हम किस तरीके से उनको किस किस रोजगार में जोड़ सकते हैं, उनको रोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम भी करें, क्योंकि आज देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर का सबसे उदाहरण होगा जब हम दिव्यजनों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको आर्थिक रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, तब जाकर हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के इन संकल्पों को पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए इनको जो भी रोजगार वह कर सकते हैं उनकी अनुकूलता के अनुसार क्या वो रोजगार कर सकते हैं, उस रोजगार के लिए उनको ऋण दिलाना, उनको सहायता दिलाना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। मैं पुनः सामाजिक कल्याण मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कैंप की शुरुआत की है। कुछ जानकारी आपको सार्वजनिक भी दे सकता हूं, मैं विभाग को भी मैं आग्रह करूंगा कि दोबारा एक बार उनको सार्वजनिक रूप से जानकारी दे देंगे किन किन लोगों को क्या क्या औपचारिकता पूरी करनी पड़ेगी, ताकि यहां पर जो लोग बैठे हैं अपने सहयोगी को अपने मित्रों को कहेंगे और वह सब दिव्यजनों के सहयोग के लिए खड़ा होकर एक नए समाज के निर्माण करने में हम सहभागी बने। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।